हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया सार्थक अंक। तो सार्थक अंक किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि सार्थक अंक के नियम, तो भैया सार्थक अंक के 4 नियम होते हैं, उसको भी हम देखेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है भैया सार्थक अंक, कि भैया सार्थक अंक कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम सार्थक अंक समझते हैं कि भैया सार्थक अंक कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो भैया इसका परिभाषा आप इसके एग्जांपल से करते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो भैया इसका एग्जांपल यदि हम देते हैं, ऐसी एग्जांपल से देखिए परिभाषा कैसे याद हो जाएगा। भैया कोई भी चीज़ है और उसका हम प्रयोग, मतलब हम प्रयोग करते हैं और प्रयोग द्वारा हमें कुछ मान प्राप्त होता है। मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान, ठीक है। कोई भी व्यक्ति है वो प्रयोग किया और प्रयोग द्वारा प्राप्त उसको मान हुआ, मान लेते हैं 62, इतना आपको उसको प्राप्त हुआ, मतलब 17.62 प्राप्त हुआ इसको, ठीक है। तो भैया इसमें ये कहा जाता है, इसमें ये कहा जाता है ना, सार्थक अंक उसे कहेंगे कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में से अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को सार्थक अंक कहते हैं। समझ में आया, इसमें इसका परिभाषा बहुत ही सिंपल वे में है, ठीक है। आपको केवल यही कहना है कि प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में से अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे भैया, तो इसमें सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 17.6 हो जाएगा। और यही मैं पूछूं कि यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, सार्थक अंकों की संख्या में पूछूं तो आप क्या कहेंगे, सार्थक अंक की संख्या क्या है, 1, 2 और 3। मतलब सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, और ये सार्थक अंक है इतना। तो आशा करते हैं आपको सार्थक अंक का एग्जाम्पल और इसका परिभाषा भी याद हो गया होगा। तो एक बार और मैं डेफिनेशन को बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ऐसे लिखिए। आप क्या कहेंगे, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में से अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को सार्थक अंक कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में से अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान में से अंतिम अंक को छोड़कर शेष अंक को सार्थक अंक कहते हैं। इसका हमने परिभाषा देख लिया, इसका एग्जाम्पल देख लिया। अब आते हैं भैया सार्थक अंक के नियम, ठीक है। तो अब हम दूसरा अपना देख लेते हैं, सार्थक अंक का के नियम। तो ये याद रखेंगे सार्थक अंक के 4 नियम होते हैं। कितने भैया, 4 नियम होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम नियम पे बात करें, देखिए हम पहला नियम बताते हैं। तो पहला नियम यही कहता है भैया कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम नियम लिखते रहें कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहला नियम लिखा है। अब भैया यहाँ पे आता है अशून्य अंक। अशून्य अंक का मतलब समझते हैं ना भैया, शून्य के अलावा कोई भी अंक अशून्य अंक कहलाएगा। तो अशून्य अंक का मतलब भैया, यदि एग्जांपल इसका दिया जाए, मैं यहीं पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, तो एग्जांपल मान लेते हैं 7 2 6 हो गया, 7 5 4 हो गया। अगर आप कुछ भी नंबर दे सकते हैं वो सभी क्या हो जाएंगे भैया, सार्थक अंक का पहले नियम का पालन करेंगे, ठीक है। तो ये सार्थक अंक कहलाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं पूछूँ सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, तो आप इसमें क्या कहेंगे, 3 है, क्योंकि 1 2 3 है, तो 3 अंक है। और इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 3 है। तो आशा करते हैं आपको समझ गए होंगे। अब आते हैं इसका दूसरा नियम,
कि सार्थक अंकों का द्वितीय नियम क्या है। तो भैया सार्थक अंक का द्वितीय नियम यही है ना कि जो अशून्य अंक होते हैं, समझिएगा, दो अशून्य अंकों के बीच में शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं। मतलब यदि हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल पर भी बात करें, ठीक है, तो समझिएगा इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख दूँ कि 280072 ऐसे हमने लिख दिया। तो हम यही कह रहे हैं कि दो अशून्य अंकों के बीच, भैया यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर ये दोनों अशून्य अंक है ना, तो दो अशून्य अंकों के बीच सार्थक अंक को हम क्या कहते हैं, मतलब दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर सार्थक अंकों की संख्या कहें तो भैया ये जो शून्य है ना ये भी सार्थक अंक कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कि सार्थक अंकों की संख्या कितनी है तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो आप कहेंगे 6 है यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या। यदि मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूँ, ये तो पहला था ये दूसरा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इतना है, ठीक है, तो 7002 हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यही ना कह रहे थे कि दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं, यही तो कहा। तो डेफिनेशन यहाँ पे दूसरा नियम है उसे मैं लिख दे रहा हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, दो अशून्य अंकों के बीच में बीच आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। ये तीसरा हो गया। अब आते हैं भैया अपने तीसरे नियम पे। तो तीसरा नियम ये है ना कि जो भी जो क्या है अशून्य अंक होते हैं तो अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल तीसरे वाले का दे दूं, तो तीसरा वाला का कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3200, ऐसे हमने लिख दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 3200 लिखा है ना, तो हम यही कह रहे हैं ये दोनों क्या है अशून्य अंक है और ये क्या है शून्य अंक है। तो हम कह रहे हैं कि अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य अंक को भी सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, मतलब ये जीरो जो आया है अशून्य अंक के बाद ये भी सार्थक अंक ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूछूँ सार्थक अंकों की संख्या, तो आप क्या कहेंगे भैया, 4 है, 1 2 3 4, 4 है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका कि सभी अशून्य अंकों के बीच अशून्य अंकों के बाद, मतलब ऐसे हम लिख देते हैं, अशून्य अंकों के बाद आने वाले शून्य अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया है, हमने क्या लिखा, अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य अंक भी सार्थक अंक कहलाएंगे। और यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अंतिम जो नियम है इसको मैं यहाँ पे पता नहीं दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे पहले बोल ही दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप चौथे जो नियम है उसे आप लिख लीजिएगा। इसमें ये बताया जाता है भैया कि जो अशून्य अंक है ना, अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक को हम सार्थक अंक नहीं कहते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ था कि जो अशून्य अंक के बाद शून्य अंक आए हैं तो इसे हम सार्थक अंक कहेंगे, परंतु हम कह रहे हैं कि अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक को, ये अशून्य अंक है, अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक को सार्थक अंक नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगी भैया, केवल 2 ही हो जाएगा, 1 1 2, ठीक है ना। तो यही हो गया। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि दो अशून्य, मतलब ऐसे कहेंगे कि अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य अंक को सार्थक अंक नहीं कहते हैं। तो आशा करते हैं एग्जाम्पल से आप ये चौथे नियम को भी लिख लेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और यदि अच्छे से समझ में आया हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको पढ़ाई करना है और चैप्टर वाइज सिक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर दिया जा रहा है, जो नंबर है यहाँ पर 8874728
6058 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उस टॉपिक का, उस जो भी किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का यहाँ से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।